अलबेली सी, थोड़ी चुलबुली सी, थोड़ी संस्कारी सी और थोड़ी फिटनेस वाली। भाई हम बात कर रहे हैं सवी की बहना मृणमयी की, यानी कि शिखा पांडे की। आज सास बहू और बेटिया में हम करने वाले हैं शिखा संग खास मुलाकात, जानेंगे उनके बारे में ढेर सारी बातें। आज हम करने वाले हैं उनके घर की सैर। शिखा संग करेंगे सब्जी तरकारी की शॉपिंग, यानी कि एक डे आउट मस्ती भरा। साथ ही शिखा दिखाएंगी अपने डांस का टैलेंट। तो चलिए सीधा चलते हैं शिखा के घर पर बिताने उनके साथ ये दिन। थैंक यू फॉर कमिंग सास बहू और बेटिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा छोटा सा घर है, मैं अपना घर दिखाने वाली हूँ आपको। और आप जैसा कि मुझे जानते हैं मेरा नाम है मृणमयी, लेकिन आज आप शिखा से मिलेंगे। शिखा अपने घर में कैसे रहती है, कहाँ पे मेकअप करती है, कहाँ पे योगा करती है, कहाँ पे किचन में जाके खाना बनाती है, वो सब आप देखने वाले हैं। तो कम विद मी। भाई मृणमयी यानी कि शिखा अपने फिटनेस का खासा ध्यान रखती है और आज है छुट्टी वाला दिन, लेकिन ऐसे में वो वर्कआउट मिस नहीं करने वाली है। भाई वो जिम तो नहीं जाएंगी, लेकिन घर पर ही योगा और कुछ एक्सरसाइजेस करेंगी और यही है उनका मॉर्निंग रूटीन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो स्केड्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, हमें कभी कभी जिम जाने का टाइम मिलता है और कभी नहीं मिलता है। इसलिए मैं अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान देती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी ऐसी है कि अगर मैं थोड़ा भी जिम नहीं करती और थोड़ा भी खा लेती हूँ तो मैं चबी हो जाती हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सुबह उठ के फिटनेस के लिए क्या करती हूँ। यूजली मैं जिम जाती हूँ, लेकिन आज मैं योगा करने वाली हूँ। तो आइए मेरे साथ और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे योगा करती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा अभी मैंने बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है और मैं ऑल स्वेटी हो गई हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो अगर आप भी अपने घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने वार्म अप किया, तो उसमें थोड़ी भी जंपिंग जैक्स और स्ट्रेचिंग वो किया। उसके बाद मैंने थोड़ा डंबल्स का यूज़ किया, तो डंबल्स से मैंने स्क्वाट्स किया, मैंने एब्स किए। और उसके बाद मैंने थोड़े योगा के पोजेस किए, मैंने वृषासन किया, मैंने अधोमुखासन किया, मैंने त्रिकोण आसन किया, और लास्ट में मैंने लास्ट वाले आसन का नाम मैं भूल गई पर वो एक्चुअली फॉर स्ट्रेचिंग है। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर मसल्स। तो जब भी आप कोई भी वर्कआउट करते हो तो सबसे लास्ट में स्ट्रेचिंग करके डन कर देना है।
तो या दिस वॉज ऑल अबाउट माई ऑल द वर्कआउट वट एवर आई डू घर पे, जिम में अलग होता है, पर हाँ मुझे रनिंग करना बहुत पसंद है, तो शायद कभी आपको रनिंग पे भी लेके जाऊंगी। अभी आई एम ऑल स्वेटी और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरी ब्रेथ जा रही है, तो मैं जाके फ्रेश अप हो जाती हूँ, मैं चेंज करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो जैसे कि आपने देख लिया कि मैंने वर्कआउट कर लिया, मैं फ्रेशन अप हो गई और सबसे पहले नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ। पता नहीं मुझे, मेरे दिमाग में मिथ है क्या है कि जिस दिन मैं पूजा नहीं करती उस दिन मेरा दिन अच्छा नहीं जाता, तो मुझे पूजा तो करना ही करना है, चाहे वो 5 मिनट की हो चाहे आधे घंटे की हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पे पूजा करती हूँ और कहाँ पे मेरे भगवान जी बैठे। तो भाई वर्कआउट करने के बाद शिखा पहुँच गई है चेंज करने के लिए और चेंज कर वो आ भी गई है। इसके बाद उनका अगला मॉर्निंग रूटीन है पूजा करना। भाई रियल लाइफ में मृणमयी है काफी संस्कारी और एक भी दिन पूजा करना भूलती नहीं और पूजा किए बिना घर से बाहर जाती नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, इसके साथ हमारी पूजा ख़त्म होती है और अब मैं आपको ब्रेकफास्ट बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ ब्रेकफास्ट में यूजली, क्योंकि भूख तो लगी है और बहुत टाइम हो गया है, हमें सो के उठे, हमने वर्कआउट कर लिया, हम फ्रेशन अप हो गए, हमने पूजा कर ली, तो अभी मैं मतलब ब्रेकफास्ट तो करना ही चाहिए, है ना। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाती हूँ। आपको बता दे, मॉर्निंग रूटीन के एक और हिस्सा पूरा करने के बाद अब बारी है ब्रेकफास्ट की, लेकिन शिखा ब्रेकफास्ट में सिर्फ कॉफी पियेंगी क्योंकि वो अपने फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। ब्रेकफास्ट में मैं यूजली ब्लैक कॉफी ही पीती हूँ, तो कुछ ज्यादा है नहीं। कभी कभी मैं स्मूदी या फ्रूट्स ले लेती हूँ, लेकिन कल मैंने बहुत हैवी ईटिंग कर ली थी इसलिए आज सिर्फ ब्लैक कॉफी। लंच करूंगी मैं 2 बजे के अराउंड, तो तब मेरे पेट में कुछ जाएगा, लेकिन मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद भी है। मतलब जब मैं मुंबई आई थी तब मैं चाय भी नहीं पीती थी और कॉफ़ी भी नहीं पीती थी, पर फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया ब्लैक कॉफ़ी पीना, तो मुझे अब अच्छी लगने लग गई है। तो ये है, इट्स वेरी बेसिक, पानी डालो कॉफ़ी डालो हो गया, दैट्स इट। लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए नॉर्मल कॉफ़ी बनाऊँगी, दूध वाली, और वो भी एकदम बीट वीट करके। तो हमने कॉफ़ी ले ली है, लेकिन हम शुगर फ्री कॉफ़ी बना रहे हैं। जिसको कॉफ़ी शुगर के साथ पीने वो बाद में चीनी डाल सकता है। तो हम बस थोड़ा सा गर्म दूध लेंगे, हल्का सा गुनगुना सा, और फिर हम हल्का सा दूध लेके उसको हम बीट करते हैं, और यह हम तब तक बीट करेंगे जब तक ये हल्की सी येलोइश ना हो जाए, क्योंकि हमने इसमें शुगर नहीं डाली है, तो ये एकदम मेल्टेड येलो तो नहीं होगी, पर हाँ थोड़ा बहुत काम चल जाएगा हमारा। हमारी कॉफ़ी बीट हो चुकी है, बहुत हल्की सी येलोइश ब्राउनिश टोन आ गया है इसमें, और हमारी ब्लैक कॉफ़ी भी रेडी हो गई है, तो हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो जब से मैं मुंबई में हूँ मुझे अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाना पड़ता है, लेकिन जब मैं घर पे थी तो
यूजली मेरी मॉम बनाते थे और वो बहुत अच्छा खाना बनाते, मतलब इतना अच्छा कि मुझे उनके जैसा खाना तो आज तक मिला ही नहीं मुंबई में, तो नहीं एटलीस्ट, क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ, वहाँ का खाना भी स्पाइसी होता है, टेस्टी होता है। बट मुझे वड़ा पाव बहुत पसंद है मुंबई का, तो जब कभी मेरा चीट डे होता है तो मैं वड़ा पाव खाना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे मैं कॉफ़ी पीने लगी हूँ, घर पे तो मैं चाय भी नहीं पीती थी, चाय भी नहीं कॉफ़ी भी नहीं। तब सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे बन जाते थे, गोभी पराठे, आलू पराठे, पोहा बनता था, आई लव पोहा, सैंडविचेस बनाती थी मेरी मम्मा बहुत सारे, सारे वेजिटेरियन, आई एम वेजिटेरियन, तो सारे वेजिटेबल्स वाली मिक्स करके उसको मेयोनीज को डाल के बहुत टेस्टी सा सैंडविच बनाती थी। तो हाँ आई मिस दैट, लेकिन हम वो रेगुलर नहीं खा सकते अभी, क्योंकि तब तो बच्चे थे हम, तो सारा डाइजेस्ट हो जाता था, लेकिन अगर अभी हम कुछ खा लेते तो मेरे फेस पे दिखता है, तो हम नहीं खा सकते, इसलिए हम ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं। ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी थी। पर हम कुछ और कर सकते हैं, मैं आपको अपना घर दिखा सकती हूँ कि मैं कहाँ पे बैठ के क्या करती हूँ और कौन से मेरे फेवरेट प्लेसेस हैं, कौन से मेरे नॉट सो फेवरेट प्लेसेस हैं, मैं कहाँ पे रीडिंग करती हूँ, मैं कहाँ पे टीवी देखती हूँ, मैं कहाँ पे थोड़ा चिल करती हूँ फ्रेंड्स के साथ। तो कम विद मी। वैसे कॉफ़ी पीते पीते देखिए कैसे शिखा ने बताई अपने करियर की कहानी। आपको बता दें शिखा ने कुछ फिल्मों में भी काम किया है और उन्होंने सीरियल मेहंदी वाला घर में भी काम किया है, लेकिन उन्हें बिग ब्रेक मिला है सीरियल गुम है किसी के प्यार में से। वैसे तो वो इलाहाबाद की रहने वाली है, लेकिन मुंबई में काम के चलते उनका बसेरा है। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि मेरा नाम है शिखा पांडे, मैं गुम है किसी के प्यार में मृणमयी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। मैं बेसिकली इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ, यूपी से, और वहाँ पे मैंने स्कूलिंग नहीं की है, मैंने वहाँ से कॉलेज किया है। एक्चुअली मेरे पापा का ट्रांसफ़र बहुत होता रहता था, तो स्कूलिंग मेरी बांदा से हुई है, जो यूपी में बहुत छोटी जगह है, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। मेरी स्कूलिंग वहाँ से हुई है, फिर मैंने कॉलेज इलाहाबाद से किया है, देन मैं दिल्ली में थी थोड़े टाइम के लिए, मैं जॉब कर रही थी वहाँ पे 1-1.5 साल, फिर मैं मुंबई आ गई। एक्टिंग की जर्नी तो बहुत टाइम पहले से ही शुरू हो गई थी, जब मैं बहुत छोटी थी, तो उस टाइम पे मैं फिल्म्स देखती थी या फिर मैं ऐसे डांस सॉन्ग्स देखती थी, तो मुझे बहुत इंट्रीग करता था कि अरे ये तो बहुत कोई अमेजिंग सी चीज़ है और मुझे भी ये करनी है, तो तब से करना था, लेकिन तब आइडिया नहीं था। फिर मैं दिल्ली आई, दिल्ली में मैंने थिएटर किया, थिएटर के साथ साथ मैं थोड़े बहुत एड्स करने लग गई थी वहाँ पे, और थोड़ा बहुत ऐसे पॉकेट मनी निकाल लेती थी, तो मुझे लगा कि मतलब ये तो अच्छी फील्ड है, मैं कर सकती हूँ। देन वहाँ पे मैंने एक मूवी की है जो कि अभी तक आई नहीं है, जब वो आ जाएगी यू गाइज़ विल नो अबाउट इट। फिर आई डिसाइडेड कि बहुत हो गया यार दिल्ली में, लेट्स गो टू मुंबई, बिकॉज वो ही एक जगह है जहाँ पे जाके मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो मैं मुंबई आ गई। शुरू में बहुत स्ट्रगल था, कुछ काम नहीं मिल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और कॉन्टैक्ट्स नहीं थे किसको अप्रोच करे, और वो कोविड का टाइम था, इतना ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था, मतलब कोविड के बाद आई थी मैं, एक्चुअली 2023 में आई थी मैं। सो या सम हाउ आई फिगर्ड आउट, धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। फिर मुझे पहला मेरा शो मिला था मेहंदी वाला घर सोनी टीवी पे, तो वो स्टार्ट हुआ। वहाँ पे इतने सारे, इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी, मुझे बहुत सीखने को मिला, मैंने कैमरा एंगल क्या होता है, क्लोज़ क्या होता है, वाइड क्या होता है, वो सब मैंने वहीं पे सीखा है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मुझे गुम मिल गया और अब मैं मृणमयी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ गुम में। भाई बातें तो ढेर सारी हो गई, अब बारी है शिखा संग उनके घर की सैर करने की, जो उन्होंने बड़े ही प्यार से सजाया है। तो ये है हमारी बालकनी, विच इज द ब्यूटीफुल बालकनी है वो,
क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। ये सारे प्लांट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर ये है हमारा झूला। तो जब भी मुझे कुछ बुक्स पढ़नी होती है या मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करनी होती है तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और मैं थोड़ी देर झूला झूलती हूँ और फिर सब ठीक हो जाता है। मतलब जब भी मैं कभी एंग्शियस होती हूँ या मुझे मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा होता है तो मैं यहाँ पे बैठ के कुछ बुक पढ़ लेती हूँ या फिर ऐसा व्यू देख लेती हूँ। बारिश में तो बहुत ही सुंदर लगती है ये जगह। तो ये सारे प्लांट्स हैं अगर आप देख सकते हैं तो, कुछ मैंने लगाए हैं, कुछ मेरी एक और फ्लैटमेट है उसने लगाए हैं। जगह के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा दी मोस्ट फेवरेट प्लेस है। मतलब वो झूला तो है ही, लेकिन यहाँ का व्यू देखो आप, ये देखो, सी इट्स लेक व्यू। अगर आप दूर देखोगे ना तो वहाँ पे एक छोटी सी लेक दिख रही है विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आई थिंक लोखंडवाला का सबसे खूबसूरत जो स्पॉट है मुझे वो यही लगता है। और जब भी मेरे कुछ दोस्त आते हैं, फैमिली मेम्बर्स आते हैं या फिर सेट के लोग आते हैं तो वो सारे यहीं बैठते हैं। कोई मेरे घर में नहीं बैठता है, कोई मेरे हॉल में नहीं बैठता है, वो सब यहीं बैठते हैं। और इसीलिए हमने इसको लेक व्यू कैफ़े नाम दिया है क्योंकि हम यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, वो जो भी, जब भी हम फ्री होते हैं हम यहाँ पर बैठ जाते हैं। और इसको हमने थोड़ा पेंटिंग से डेकोरेट किया है। मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक है बाय द वे, तो जब भी मुझे कोई अच्छी सी पेंटिंग दिखती है मैं ले लेती हूँ। या सो दिस इज द बेस्ट प्लेस ऑफ माय हाउस। अब इतना कुछ दिखाने के बाद में से काफ़ी कुछ है अभी भी दिखाने के लिए, तो कम विद मी। ये है हमारा हॉल और ये भी वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट है क्योंकि जब मेरे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे काफ़ी सारे 10-12 फ्रेंड्स आ गए या सेट के जो लोग हैं, कभी हमने पार्टी कर ली या कभी कोई गेट टुगेदर हो गया तो वो सब यहाँ बैठते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मुझे पेंटिंग्स का बहुत शौक है तो आई थिंक इट गोज़ वेल विद द वाइट वॉल, इसलिए मेरा जो घर है वो वाइट ही है ताकि इसमें जो भी मैं पेंटिंग्स लगाऊं वो थोड़ी उभर के दिखे, कलरफुल दिखे। तो ये है गणपति की पेंटिंग विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। मेरे घर में अगर आप देखोगे तो गणपति काफ़ी सारे हैं, वो भी सामने भी ये एक शेल से बने हुए गणपति हैं। इट गिव्स पॉजिटिव एनर्जी, कभी आप सैड मूड में रहते हो और सडनली आपकी नज़र जाती है पेंटिंग पे तो आपको रियलाइज़ होता है नहीं, कोई है जो आपको, आपके बारे में अच्छा सोचता है एंड दे विल टेक केयर ऑफ यू अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स। यहाँ पे भी कृष्णा का पेंटिंग है तो दिस इज़ राधे कृष्णा। ज़्यादातर मैं ऐसी रूम में सोती हूँ कि क्योंकि थोड़ा कोजी रूम है, मुझे छोटे रूम पसंद है, आई नो इफ़ इट इज़ वियर्ड फॉर यू, पर बहुत बड़े रूम में मुझे ऐसे डर नहीं लगता बट मुझे समझ नहीं आते, मुझे छोटे कोजी रूम में नींद जल्दी आ जाती है, बड़े रूम में मुझे नींद देर से आती है। तो ये है हमारे कृष्णा, ये है मेरा मिरर, यहाँ पर मैं रेडी होती हूँ जब भी मुझे बाहर जाना होता है। ये तो फेवरेट से भी ऊपर वाला स्पॉट है, मतलब यहाँ पे तो लड़कियाँ घंटों बिता सकती हैं, मैं तो बिता ही सकती हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत शौक है
गेट रेडी होने का, नए नए मेकअप ट्राई करने का। ये है मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, तो मैं फ़ोन इतना यूज़ नहीं करती हूँ। जब मुझे नहीं, मतलब जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डिटैच हो जाऊँ थोड़ा सोशल मीडिया से, तब मैं बुक्स पढ़ती हूँ। दिस इज़ माय वन ऑफ द फेवरेट बुक, द अल्केमिस्ट। आई नो बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ में काफ़ी मैजिक्स हुए हैं। मतलब इफ़ यू बिलीव इट, इट विल हैपन। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पता है कि आप कर सकते हो तो हो जाएगा यार। कैसे हो जाएगा वो आपका टेंशन नहीं है, पर वो हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे कृष्णा से बहुत प्यार है। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इस्कॉन चली जाती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं चैंट कर लेती हूँ, बट मुझे लगता है कि उनकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आया है। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ केओस चल रहा है तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट रीडिंग भगवद गीता। तो देखा आपने, कुछ ऐसा है शिखा का होम स्वीट होम, जहाँ पर उन्होंने घर तो घुमाया ही, साथ ही अपने फेवरेट कॉर्नर के बारे में भी बताया। अब ऐसे में शिखा बता रही हैं अपना एक और हिडन टैलेंट, जो कि है डांस। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज शिखा की छुट्टी है, ऐसे में वो निकल पड़ी है सब्जी तरकारी की शॉपिंग करने के लिए, और सब्जियां खरीद कर बार्गेनिंग करना उन्होंने अपनी मम्मी से सीखा है। अभी हम नीचे आ चुके हैं और बहुत ज्यादा रश हो रहा है। हम वेजिटेबल्स खरीदने जा रहे हैं या फ्रूट्स, देखते हैं क्या मन करता है। तो कम विद मी, मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे थोड़ी बार्गेनिंग करती हूँ, मैं कैसे सब्जियाँ खरीदती हूँ। आओ। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अभी मैंने सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी है और मुझे थोड़ी भूख तो लग रही है, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इट्स नवंबर और इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो हमें नारियल पानी पी लेना चाहिए। मुझे बहुत पसंद है तो मैं एक नारियल पानी दिन का तो ज़रूर पी। अभी ये तो ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई है। उसके लिए मैं आपको वेजिटेबल शॉप पे लेके चलती हूँ और फिर मैं दिखाऊंगी कि मेरी स्किल्स क्या है, मैं कैसे बार्गेनिंग करती हूँ और मैं कैसे महंगी चीज़ें सस्ते में खरीद लेती हूँ। उसके लिए आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, सो कम विद मी। आओ, हम आ चुके हैं वेजिटेबल शॉप्स में। ये तो हर किसी को जाना पड़ता है वेजिटेबल खरीदने, क्योंकि आप सबके घर में सब्जियाँ बनती हैं, और मुझे तो हरी सब्जियां बहुत पसंद है। आई नो इट्स वियर्ड, वेरी वियर्ड, पर क्या करूं, बचपन से ना मम्मा ने मुझे हमेशा हरी ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाई हैं, तो अभी मुझे आदत हो गई है। तो मैं कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स खरीदने वाली हूं और आपको दिखाऊंगी कि मुझे क्या पसंद है। ओके, कम भैया, ये खीरा कितने का है? 60 रुपीज़ के जी। थोड़ा महंगा नहीं है? कोई नहीं। गाजर कितने का है? 80 रुपीज़ के जी। 80 रुपीज़। और ये पत्ता गोभी? 80 रुपीज़ के जी। सब कुछ 80 रुपीज़ का? कुछ सस्ता है हमारे पास?
लौकी 60 के है, 60 से कम कुछ नहीं है, सब महंगा है। काकड़ी 60 है। काकड़ी 60 रुपए हो गई, बाप रे। ये पंपिंग है ना भोपला। हाँ नहीं, ये तो मैं खाती ही नहीं हूँ, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है कभी, पर ये खाती हूँ मैं। मतलब अब मुझे लग रहा है कि जब मैं मम्मा के साथ जाती थी ना शॉपिंग करने, मार्केट में वेजिटेबल्स खरीदने बचपन में, तो मम्मा बोलती थी कितना महंगा हो गया, और मैं कहती थी हाँ ठीक है, क्या इसमें क्या महंगा। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी मम्मा बोलती थी कि तब उनको 20 रुपये महंगा लगता था, मुझे अब 60 रुपये महंगा लग रहा है। तो महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, और पर लेना तो है, खाना तो पड़ेगा चाहे कितना भी महंगा हो। सो हम 1 किलो खीरा ले लेते हैं, और हम मैं निकालूँ, मैं खुद से निकालूँ। वन केजी होना चाहिए मुझे जितना आइडिया है, और लौकी तो है हमारे घर में। हमें गाजर चाहिए, 1.5 किलो गाजर। और मुझे टमाटर भी चाहिए क्योंकि टमाटर ख़त्म हो गया है। कितने का है? 40 रुपीज़ केजी। 40 रुपीज़ केजी कर दो 1 केजी। टमाटर खरीदने टाइम हमें हमेशा ये चेक करना होता है कि टमाटर में कीड़े तो नहीं लगे। तो देखो जैसे इस टमाटर में नहीं लगे, और हमें देखना होता है कि हल्के से टमाटर कच्चे हो, क्योंकि 1-2 दिन बाद तो वो पक ही जाते हैं। अगर हम पके टमाटर लेंगे तो फिर वो सड़ जाएंगे, तो इट्स बेटर कि आप थोड़े कच्चे टमाटर लो। ये मेरी मम्मी ने सिखाया था मुझे, और मैं आपको सिखा रही हूँ, और अब किसी और को सिखाना। हमने टमाटर निकाले थे 1 किलो लगभग 40 ग्राम का। ये मैं कितनी प्रो हूँ, मैंने एक बार में 1 किलो ले को 966, आई एम नॉट लाइंग, 966 मतलब 34 ग्राम कम है, बाकी 1 किलो टमाटर है। ये एक किलो टमाटर है, और मैंने जितना निकाला था वो उतना ही है, हमें सिर्फ 1 टमाटर कम पड़ा है जो कि हम ले लेंगे। तो अब हमारे पास है गाजर, अब हम देखते हैं कि ये हमने सही निकाली है कि नहीं। ये भी 962 आई है, ये भी ऑलमोस्ट 1 किलो थी, पर चल जाएगा, इतना ही होता है। तो हमारी शॉपिंग हो गई है गाइस, ऑलमोस्ट। ये एक्चुअली टोटल 320 हो रहा था, लेकिन दादा ने 20 रुपये का डिस्काउंट दिया है मुझे, 20 रुपये का डिस्काउंट। उसमें मैं एक धनिया की गड्डी ले सकती हूँ, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो मेरी बार्गेनिंग स्किल देख रहे हो, मतलब नेक्स्ट टाइम आप भी ट्राई करना। तो हो गया है, अब मैं पेमेंट कर देती हूँ। तो भाई रियल लाइफ में कुछ ऐसी है सभी की बहना मृणमयी यानी की शिखा पांडे, उम्मीद है आपने उनके बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। तो हमने ले ली है ढेर सारी सब्जियाँ, हमने घर दिखा दिया, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, हमने योगा कर लिया, हमने पूजा कर लिया, हमने इतना कुछ कर लिया पूरे दिन में, और अब हमें लग रही है भूख क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है, मतलब सिर्फ पिया है। तो अब मैं घर जाके ये सब्जियां बनाऊंगी फ्रेश फ्रेश, और कुछ अच्छा खाऊंगी। एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये डे आउट अच्छा लगा होगा सास बहू और बेटियाँ के साथ। और थैंक यू गाइज फॉर गिविंग मी दिस अ लॉट ऑफ लव फॉर मृणमयी, फॉर गुम है किसी के प्यार में। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।